ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन में नवरात्रों के चलते माता शूलिनी के मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जहां एक और मंदिर में भजन कीर्तन का आयोजन हो रहा है, वहीं भक्त लंबी लंबी कतारों में माता शूलिनी का आशीर्वाद लेकर अपने मंगल भविष्य की कामना कर रहे हैं। सोलन में नवरात्रों के चलते माता शूलिनी के मंदिर में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। जहां एक और मंदिर में भजन कीर्तन का आयोजन हो रहा है, वहीं भक्त लंबी लंबी कतारों में माता शूलिनी का आशीर्वाद लेकर अपने मंगल भविष्य की कामना कर रहे हैं। शूलिनी माता सोलन शहर की नगर देवी है और शहरवासियों की माता शूलिनी के प्रति गहरी आस्था है और उनका मानना है कि उनके आशीर्वाद से आज तक सोलन शहर में कोई विपदा नहीं आई है और शहरवासी दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहे हैं और शहर फल फूल रहा है। शूलिनी माता में आस्था के बारे में व्याख्यान करते हुए मंदिर में आए भक्तों ने कहा कि उनके माता के प्रति बेहद आस्था है, क्योंकि माता के दरबार में जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और विश्वास से आता है उसकी माता हमेशा सुनती है और उनकी झोली भरकर उनकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। उन्होंने कहा कि यहाँ लोग देश के कोने कोने से आते हैं और माता में इतनी शक्ति है कि बीमार लोग भी यहाँ ठीक हो जाते हैं। और 100 पौड़ियाँ चढ़ के माँ के मंदिर आती हूँ, इतनी मतलब माँ के कारण मैं मंदिर आती हूँ, मेरी अपनी कोई शक्ति नहीं है। और मैं बहुत बीमार भी रहती हूँ, मेरी कमर की जो हड्डी है उसमें चोट लगी हुई है, मेरे से चला नहीं जाता तो भी माँ मेरे को यहाँ पे लाती है। और जो बेटा है वो भी मुझे माँ की कृपा से मिला है 12 साल बाद। मैं इस माँ के गुणों का बखान नहीं कर सकती और मैं घर में नहीं रह सकती, चाहे कितनी बारिश हो मेरे को सब बोलते, लेकिन मैं यहाँ आए बिना नहीं रह सकती। शूलिनी माँ के गुणों का वर्णन और इनकी कृपा का बदला मैं कभी चुका नहीं सकती। मेरा नाम मीनाक्षी गुप्ता है, मैं सोलन की रहने वाली हूँ और हॉस्पिटल रोड से आती हूँ। यहाँ 9 दिन माता के नवरात्रे धूमधाम से मनाए जाते हैं। इस सोलन का सोलन नगर का नाम शूलिनी माता के नाम से ही विख्यात है। जो भी दयालु, जो भी श्रद्धालु इस माता के दरबार में अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, माता रानी उसकी मनोकामना पूर्ण करती है। माता का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है शूलिनी माता का। यहाँ हम कई सालों से आते हैं और माता जो है, माता में इतनी शक्ति है कि सबकी मनोकामना पूरी करती है। जो भी भक्ति आपने मांगता है कुछ भी उसको जरूर मिलता है, अगर जिसको श्रद्धा हो वही इस बात को समझ सकता है। पर मैंने एक दिन माता रानी का मंदिर देखा और प्रार्थना करी, माता रानी मेरे को अपने चरणों में थोड़ी सी जगह दे दो। माता रानी ने मेरी सुनी, मेरे को किराए के लिए मकान भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। उसके बाद मैंने एक एप्लीकेशन और लगाई माता रानी के पास कि माता रानी मेरे को दुकान मिल जाए और मेरे पति का काम अच्छे से शुरू हो जाए। माता रानी की कृपा से मेरे को पंडित जी की दुकान मिल गई, आज से मैं दुकान शुरू करने जा रही हूँ। सब माता रानी की कृपा है। जय माता शूलिनी देवी, जय माता, वो सबकी सुनती है। मैंने सारे नवरात्रे माता रानी के लिए रखे हैं और यहाँ से मैं सफाई वगैरह सब करती हूँ, जो मेरे मन में इच्छा होती है। पर माता रानी सबकी सुनती है, सबकी सुनेगी। जय माता की। तो ये था आज दिनभर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए अचुरिक के साथ। नमस्कार।